नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एक्स सर्विसमैन टेक्निकल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज जो है बहुत ही एक बड़ा जो न्यूज़ है वो आई है। जी हाँ, जो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए थी वो आई है, और वो उसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि COVID-19 यानी कोरोना वायरस किस तरह से जो इंडिया में फैला हुआ है उसी की वजह से सब कुछ हुआ है। दोस्तों, डीए के ऊपर है, डीए रोक दिया गया है। जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लेटर है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से आया हुआ है, वित्त मंत्रालय की तरफ से, और इसमें साफ साफ लिखा है कि फ्रीजिंग ऑफ डीएनएस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड डीएनएस रिलीफ टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर एट करंट रेट टिल जुलाई 2021, यानी कि जुलाई 2021 तक इसको रोक दिया गया है। The undersigned is directed to say that in view of the crisis arising out of COVID-19, it has been decided that the additional installment of DMS allowance payable to central government employees and DMS relief to central government pensioners due from 1 January 2020 shall not be paid. यानी कि 1 January 2020 से जो ड्यू था आपका DA, वो आपको पे नहीं किया जाएगा। The additional installments of DMS allowance and DMS रिलीफ ड्यू फ्रॉम 1 जुलाई 2020 एंड 1 जनवरी 2021 शैल ऑल्सो नॉट बी पेड, यानी कि आगे वाला जुलाई 2020 वाला भी से लेके और जनवरी 2021 वाला भी आपको पे नहीं किया जाएगा। हाउ एवर डीएनएस अलाउंसेज एंड डीएनएस रिलीफ एट करंट रेट्स विल कंटिन्यू टू बी पेड। लेकिन जो है आपका डीएनएस अलाउंस और डीएनएस रिलीफ करंट रेट पे जो चल रहा है वो आपको पे होता रहेगा, जो नए रेट है वो लागू नहीं हो पाएंगे। एज एंड वेन द डिसीजन इज रिलीज द फ्यूचर इंस्टॉलमेंट ऑफ डीएनएस अलाउंसेज एंड डीएनएस रिलीफ टू ड्यू फ्रॉम 1 जुलाई 2021 टेकन बाय गवर्नमेंट द रेट्स ऑफ डीएनएस अलाउंस एंड डीएनएस रिलीफ एज इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2020 एंड 1 जनवरी 2021 विल बी रिस्टोर्ड प्रोस्पेक्टिवली and will be subsumed in the cumulative revised rate effective from 1 July 2021. No arrear for the period from 1 Jan to till 30 June 2021 shall be paid. यानी कि इसका कोई arrear भी आपको नहीं दिया जाएगा। अब ये हिंदी में पढ़ लेते हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है ये। तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की मौजूदा दरों को जुलाई 2021 तक रोकने के संबंध में। जी हाँ, अजो हस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि कोविड 19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा, तथापि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का मौजूदा दरों पर भुगतान किया जाता रहेगा। जैसे ही सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की भावी किस्तों को जारी करने का निर्णय लिया जाता है, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों को भावी प्रभाव से बहाल कर दिया जाएगा और उन्हें 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संशोधित दरों में सम्मिलित कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा। ये आदेश सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों पर लागू होंगे। जी हाँ, तो ये रक्षा मंत्रालय को भी भेजा गया है और रेल मंत्रालय को भी भेजा गया है, जहां जहां पर भी पेंशन लागू होती है और जितने भी सरकारी विभाग के पेंशनर लागू, सबको दिया गया है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे फायदा ये होगा कि आपके पास जो नई इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास टाइम टू टाइम आती रहेंगी। जय हिंद, भारत माता की जय।